कच्चे तेल में फिर से तेजी बढ़ती जा रही है, क्या है इस तेजी की वजह, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन बताएं, आखिर क्रूड की तेजी के क्या ट्रिगर हैं और ये तेजी आगे और बढ़ने वाली है क्या? में $70 का, वहां से 11% से ज्यादा की तेजी, करीब करीब 12% की तेजी अब तक आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह यह है जो इराक का जो नॉर्थ रीजन है, कुर्दिस्तान रीजन, वहां से जो टर्की के लिए जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वहां पर रोजाना 4,50,000 बैरल एक्सपोर्ट हॉल्ट हो गया है। वो कुछ लीगल वजहों से हो गए, हॉल्ट करना पड़ा है। उस वजह से एक तो सप्लाई की दिक्कत हुई है, दूसरा चाइना को लेकर जो खबर आ रही है कि 2023 में 6% से ज्यादा चाइना में डिमांड ज्यादा रह सकती है, यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट वहां पर 6% ज्यादा रहेगा, ये एक वजह है। साथ ही रूस से जो सप्लाई कटौती का ऐलान हुआ था मार्च के महीने से, तो वो 5 लाख बैरल रोजाना कटौती का ऐलान हुआ था, तो उसका भी असर है। और रूस ने ये साफ संकेत भी दे दिए कि जो उन्होंने टारगेट तय किए थे उसके आसपास ही कटौती यहाँ पर हो रही है। साथ ही बैंकिंग संकट जो गहरा गया था उसको लेकर भी अब चिंता थोड़ी कम होती दिख रही है, क्योंकि जो SVB बैंक थे US के, उसके एक्विजिशन की भी खबर आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रूड की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं और ब्रेंट क्रूड वापस से $79 के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल, शुक्रिया विश्वमोहन इन तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ET Now प्रदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।